कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा यहाँ पे। जैसा कि इन 4-5 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, सो यू ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर माई वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा फ्रेंड्स। तो फिर आइए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है मैं फिर से प्रीपोजिशन से स्टार्ट करूंगा और प्रीपोजिशन में एट, इन और ऑन, ये तीनों काफी कंफ्यूजन वाली प्रीपोजिशन है। सो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन में बने रहने के बाद आपको आज से कोई भी कंफ्यूजन एट, इन और ऑन के बाद नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास एक बेहतरीन ट्रिक है, बेहतरीन टेक्निक्स है जिससे मैं आपको बताऊंगा और आज के आज अभी के अभी आपका सारा कंसेप्ट, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए 4 कंफ्यूजन क्वेश्चंस जो हमेशा कंफ्यूज करता है इन, ऑन एंड आउट एट के बारे में फ्रेंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी वॉज बॉर्न फिल द ब्लैंक्स अक्टूबर, अक्टूबर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, फेब मार्च जो भी है। तो इन ऑप्शंस में आपको चूज करने हैं इन और ऑन एंड एट के बारे में कि इन तीनों में क्या होगा। बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं फ्रेंड्स और मैं भी कंफ्यूज किया करता था फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कैसे आपका कंफ्यूजन मिटता है। तो आप क्या लगाओगे, इन, ऑन, एट क्या लगाओगे? तो इन्हीं चीजों को जानने के लिए मैं इस पर चलूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन देखेंगे, सुशांत सिंह, यू माइट हैव हर्ड। तो सुशांत सिंह गॉट बर्थ, सुशांत सिंह का जो जन्म हुआ 1985 में हुआ या 2000 हुआ, वट एवर जो भी है। तो इसमें हम यही ऑप्शन आपके रहेंगे, इन, ऑन और ऑड एट, इन तीनों में आपको चूज करना है तो क्या होगा। तो बच्चे लोग काफी कंफ्यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये देखने होगा, काफी बढ़िया ट्रिक है, मैं बताने वाला हूं, आप देखेंगे। सबसे पहले तो हम, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, यही प्रूफ कर रहा है कि क्या होगा इसमें। तो हमेशा याद रखेंगे मंथ में जो है हमेशा इनका प्रयोग करते हैं या इनका यूज हमेशा हम मंथ में करते हैं। मंथ में कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ इन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ इन फिल कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी वाज बोर्न, अब देख रहे हैं कि मंथ है, मंथ में हमेशा यूज करते हैं इनका, तो अक्टूबर, ये सब मंथ्स हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनका प्रयोग। चलिए दूसरा देखते हैं, इनका प्रयोग हम ईयर में भी करते हैं, इनका प्रयोग हम ईयर में भी करते हैं, साल में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सुशांत सिंह गॉट बर्थ, सुशांत सिंह का जो जन्म हुआ 1985 में हुआ या 2000 में हुआ, तो क्या होगा, आप देख रहे हैं ईयर में, ईयर है ना, यहाँ भी इनका यूज हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और मुझे ऐसा लगता है आप छोड़ के भी नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग ये जो चीज मैं बता रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी इन हो जाएगा। अब देखते हैं, राम गॉट मैरिड, राम का जो जन्म हुआ मंडे को हुआ या ट्यूजडे को हुआ या वेंसडे को हुआ, वेडनेसडे नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स, वेंसडे बोलते हैं। अगर इन तीनों में फिर यही ऑप्शन रहे, इन, ऑन और एट, तो आप क्या डालेंगे फ्रेंड्स? मुझे ऐसा लगता है आपको इन इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले ये देखना होगा, याद रखेंगे फ्रेंड्स, डे और डेट, जैसे मैंने लिखा है डे और डेट में भी हम ऑन का यूज करते हैं, तो यहाँ भी ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ। और आप देख रहे हैं ऑन का यूज हम डेट में भी करते हैं, 6 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई। तो सबसे पहले हम डे की बात करते हैं, राम गॉट मैरिड, अब जान रहे हैं डे में ऑन लगता है, ऑन लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, प्रीपोजिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है ये। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंगना रनावत, यू ऑल माइट हैव हर्ड, कंगना रनावत वेंट टू मुंबई, मुंबई गई, कब गई, 10 सितंबर को गई या 9 सितंबर को गई। तो फ्रेंड्स आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ महीना दे दिया तो हम क्या डालें फ्रेंड्स, देखेंगे सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स के बगल में, तुरंत बगल में क्या है, 10th, 9th, डेट है ना फ्रेंड्स, तो आप जान रहे हैं डेट में हमेशा ऑन का यूज करते हैं, तो अब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन 10th सितंबर, ऑन 9th सितंबर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दैट, आपको इन चीजों में दिक्कत हो रही है, मतलब आप एग्जामिनेशन में एकाएक भूल जाए, इसका एक बेहतरीन ट्रिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिक क्या है, सपोज दैट आप भूल गए, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे एम और वाई, एम वाई का जो है, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं वही ट्रिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं। एम वाई का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब मंथ और वाई का मतलब ईयर, याद रखेंगे एम वाई जो है इनका प्रयोग हम माई में करेंगे, या एम वाई का यूज हम किस चीज में करेंगे,
इन में करेंगे फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे जब भी इन का अगर प्रयोग भूल जाए, मंथ ईयर अगर भूल जाए कि मंथ ईयर में ऑन होगा या इन होगा, ये याद रखेंगे। माई, माई तो सब जानते हैं, माई मतलब मेरा है, तो ये कॉमन है। तो आप देखेंगे माई का यूज हम हमेशा इन में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये कभी आप नहीं भूलेंगे, मुझे जैसा लगता है। माई इक्वल टू इन या इन इक्वल टू माई, माई मतलब एम का मतलब मंथ और वाई का मतलब ईयर फ्रेंड्स। हूबहू इसी में, इसी इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ इसमें ये है, डी से डेट और डी से डेट और डी से डे, तो इसमें हम कर सकते हैं। डीडी न्यूज आप देखे होंगे, डीडी न्यूज, तो डीडी मतलब क्या, डीडी का यूज हमेशा हम ऑन में करते हैं। माई का यूज इन में और डीडी का यूज ऑन में, डी का मतलब डे और डी का मतलब मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मुझे जैसा लगता है अब आप जिंदगी में इसे भूल नहीं पाएंगे। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आगे भी डालूंगा क्विज के फॉर्म में इसी से रिलेटेड अपने आगे वाले वीडियो में, बट उससे पहले एक और चीज छूट रहा है, वो एट की बात कर रहा है। एट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एट के बारे में भी देखेंगे फ्रेंड्स कि एट के बारे में क्या आपका कंसेप्ट है। मुझे जैसा लगता है ये आपको बहुत ही, इसे पढ़ने के बाद बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि आप इसे भूलने वाले नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दीज काइंड ऑफ रूल्स कॉन्सेप्ट्स फॉरएवर। अब देखेंगे फ्रेंड्स एट का यूज। आई वुड लाइक टू हैव योर ओनली 5 मिनट्स, ओके फ्रेंड्स, चलो। अब एट का जो यूज करेंगे हम हमेशा करते हैं फिक्स टाइम में। यहां देखेंगे फ्रेंड्स ये काफी अलग है, फिक्स टाइम। फिक्स टाइम का मतलब क्या होता है, निश्चित समय। जैसे एग्जाम्पल मैं लूंगा, जैसे कि उसका जन्म जो है, he got birth, मान लीजिए he got birth, या इसको भी हटा दीजिए, he goes to school, वो 9 बजे स्कूल जाता है, तो यहाँ क्या होगा, ऑन होगा, एट होगा या इन होगा फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखेंगे हमेशा इसमें एट लगा, क्यों, क्योंकि फिक्स टाइम है, हमेशा 9 o'clock क्या है, फिक्स है, इसलिए एट लग गया। अगर इसमें एक और आ जाए, जैसे he gets up early in the morning, fill in the blanks, 6 o'clock, ठीक है फ्रेंड्स, यहां डाल देते हैं 6 o'clock। अब यहां भी टाइम निश्चित है, तो यहां 6 o'clock, यहां क्या हो जाएगा, एट लग जाएगा। बट फ्रेंड्स कंफ्यूजन कहां होता है ये आप देखेंगे, वाकई में आपको कंफ्यूज करेगा। ये तो सिंपल सिंपल सामने दिया हुआ है ना, कि आपको जो है यहाँ टाइमिंग्स एकदम फिक्स दिया हुआ है, आप यहाँ एट लगा सकते हैं, बट आपको कंफ्यूजन कहां होगा, जैसे देखिए, लाइक जैसे अगर मैं यहां लिख दूं मिडनाइट, अगर मैं यहां लिख दूं नून, अगर मैं यहां लिख दूं सनराइज, अगर मैं यहां लिख दूं, यहां लिख दूं होली, अगर मैं यहां लिख दूं बर्थडे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां क्या लगाएंगे, अगर आपको प्रीपोजिशन इसमें लगाना होगा, जैसे मिडनाइट के पहले, नून के पहले, ठीक है, जैसे मिडनाइट या नून, मिडनाइट तो समझ रहे हैं, अब यहां ऑन होगा, एट होगा या इन होगा, सुन लीजिए फ्रेंड्स, मिडनाइट भी क्या होता है, ये भी फिक्स टाइम। आप कहोगे कैसे, मिडनाइट मतलब 12 बजे रात को मैं मिडनाइट करता हूं, तो 12 बजे रात क्या हो गया, ये आपका फिक्स टाइम हो गया ना फ्रेंड्स। भले ही ये आपको इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली वे में आपको देखना है, बट इसके अंदर आप घुसिएगा तो आप पाइए कि ये मिडनाइट हम 12 बजे को कहते हैं, रात के 12 बजे को, टाइम फिक्स है, यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नून है, दोपहर के टाइम कहते हैं नून, मतलब क्या, एकदम 12 बजे, तो यहां भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एट हुआ, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है, ये आपको समझना होगा। अब सनराइज है, सनराइज में अगर आपको करना होगा भाई ऑन होगा या एट होगा या इन होगा, तो फ्रेंड्स सनराइज का मतलब क्या होता है, जो सुबह में एट द टाइम ऑफ राइजिंग सन, मतलब जिस समय सूरज उगता है, जिस टाइम में एक परफेक्ट टाइम होता है, एक फिक्स टाइम है, जिस समय सूरज उगता है, उस वो भी तो एक फिक्स टाइम है ना, जब भी वो उग रहा हो या जिस टाइम में उग रहा हो, तो वो फिक्स टाइम होता है, तो फिक्स टाइम में हम क्या लगाएंगे, एट टाइम फ्रेंड्स। ये आपका जो मैंने बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज और मैं देखूंगा, यहाँ होली, अगर होली आ जाए कि मैं उसे होली में मिलूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, या बर्थडे, तो याद रखेंगे हम किसी भी इसको बनाने से पहले मैं आपको बताऊं, एक चीज और मैं बताऊंगा सबसे पहले,
याद रखेंगे एट का यूज जो हम करेंगे यहाँ पे फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल, ठीक है फ्रेंड्स। फेस्टिवल मतलब क्या हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, तो इसमें भी हम फ्रेंड्स हमेशा हम यूज करेंगे एट का, क्योंकि दिवाली है एक फिक्स्ड फेस्टिवल है, इसलिए मैंने एट का यूज किया, होली एट का यूज किया। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, और फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस जो कॉन्सेप्ट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, बट अगर आपको पूरी तरीके से काफी अच्छा लगा हुआ ये टेक्निक, तो आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मैं लास्टली यही कहना चाहूंगा कि जो भी नए हैं उसे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स। तो फिर से मिलते हैं एक अगले कंटेंट के साथ, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।